दोस्तों, आपने न्यूज़ वगैरह में कई बार मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सुना होगा। कई लोगों को इसके बारे में आइडिया तो होता है कि ये पैसों के लेन देन से रिलेटेड कोई टर्म है, लेकिन एग्जैक्टली ये होता क्या है, इसके बारे में डिटेल नॉलेज बहुत कम लोगों को है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग ब्लैक मनी मैनेज करने में बहुत अहम रोल निभाती है, इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में डिटेल में समझेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा लाए गए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। अगर किसी इलीगल वे में अर्न किए गए धन यानी ब्लैक मनी को मनी ट्रांसफर वगैरह करके लीगल मनी यानी व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया जाए तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल वे में कमाए गए धन को छुपाने का एक तरीका होता है। इलीगल मनी का मतलब उस पैसे से है जिसका कोई रिकॉर्ड यानी हिसाब नहीं होता, यानी जिस पैसे के लिए गवर्नमेंट को कोई टैक्स वगैरह पे ना किया गया हो। जनरली मनी लॉन्ड्रिंग में इलीगल पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है ताकि बाद में जो इनकम चेक करने वाली एजेंसीज हैं लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी वगैरह, उनको इस मनी का सोर्स लीगल दिखाया जा सके। सिंपल वर्ड्स में कहें तो भले ही इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा हो, पर अगर उस पैसे का कोई लीगल सोर्स दिखा दिया जाए और असली सोर्स को छुपा लिया जाए तो इसे ही मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे। ये मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड अमेरिका से आया था जब 1980s के टाइम वहां के माफियाज अपने इलीगल पैसों को लीगल दिखाने लगे। इंडिया में ये वर्ड 1990s से पॉपुलर हुआ जब मनी लॉन्ड्रिंग में कई बड़े लीडर्स के नाम सामने आए। इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग को मोस्टली हवाला के नाम से जाना जाता है। जो पर्सन पैसों के लेन देन को मैनिपुलेट करता है और अलग अलग तरीके यूज करके इलीगल मनी को लीगल में कन्वर्ट करता है उसे लॉन्डरर कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आपके फायदे की एक चीज। आजकल जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप इस कार्ड के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग में अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हैं, जिसका नाम है द एक्सिस फ्लिपकार्ट कार्ड। इस कार्ड से आपको लाइफ टाइम के लिए 5% कैशबैक मिलेगा ऑन फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा। यही नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री ₹500 फ्लिपकार्ट ई गिफ्ट वाउचर, अनलिमिटेड कैशबैक अप टू 5%, 4% कैशबैक ऑन ऊबर, स्विगी, टाटा 1MG, क्लियर ट्रिप, क्योर फिट, PVR एंड टाटा स्काई, 20% ऑफ ऑन डाइनिंग एट 4000 प्लस पार्टनर रेस्टोरेंट्स, 1.5% कैशबैक ऑन एवरीथिंग एल्स, 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर, 4 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस पर ईयर। इतने सारे ऑफर सिर्फ एक कार्ड में। और इसका बेस्ट पार्ट है कि इसके अलावा आप एक ट्रिक के जरिए एक्स्ट्रा ₹250 का कैशबैक भी अर्न कर सकते हो। पहले इस कार्ड की कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इस कार्ड के कुछ फीस एंड चार्जेस हैं, जैसे ज्वाइनिंग फी ₹500 जो कि आपको फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड के रूप में वापस मिल जाएगी, एनुअल फीस ₹500, अगर आप ईयरली इस कार्ड के थ्रू 2 लाख से ज्यादा स्पेंड करते हो तो एनुअल चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ अगर आप टाइमली बिल्स पे नहीं करते हो तो 3.4% मंथली इंटरेस्ट, कैश विड्रॉवल चार्जेस 2.5%, मिनिमम 500 एंड कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस ₹100। इस कार्ड की एक और खास बात यह है कि जितना भी कैशबैक आप अर्न करोगे उसको आप डायरेक्टली नेक्स्ट मंथ के बिल पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं ट्रिक की, कैसे आप एक्स्ट्रा ₹250 कैशबैक अर्न कर सकते हो विद कैश करो। नीचे दिए गए लिंक से आप कैश करो की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे विद ऑल द एक्सिस फ्लिपकार्ट कार्ड डिटेल्स। आपको बस साइन अप कर लेना है और आपको OTP वेरीफाई करके एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट कार्ड के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। आपका फॉर्म अप्रूव होते ही 30 मिनट्स में आपके कैश करो अकाउंट में कैशबैक आ जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए। आइए अब मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे प्रोसेस में जो स्टेप्स होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में ब्रॉडली 3 स्टेप्स होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। पहले बात करते हैं प्लेसमेंट की। सबसे पहला स्टेप होता है अवैध ढंग से अर्जित किए गए धन यानी ब्लैक मनी को मार्केट में इन्वेस्ट करना। लॉन्डरर उस ब्लैक मनी को डिफरेंट बैंक्स और सेक्टर्स में अलग अलग एजेंट्स के थ्रू इन्वेस्ट करवाता है। पहला स्टेप है उस ब्लैक मनी को फाइनेंशियल मार्केट में लाना। मोस्टली वो मनी कैश के फॉर्म में डिपॉजिट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है लेयरिंग। इस स्टेप में लॉन्डरर ब्लैक मनी के सोर्सेज को हाइड करता है। अब इसके लिए वो कई तरह के ट्रांजेक्शन करता है। इसमें अलग अलग नामों से डिफरेंट बैंक अकाउंट्स, शेयर्स और बॉन्ड्स का यूज किया जाता है। कई बार ये बैंक अकाउंट्स ऐसी कंट्रीज में ओपन किए जाते हैं जहां बैंक्स की ये पॉलिसी होती है कि वो अपने अकाउंट होल्डर्स की डिटेल्स जैसे उनका नाम और एड्रेस वगैरह रिवील नहीं करते। जैसे स्विट्जरलैंड का स्विस बैंक, जो अपने इस काम के लिए न्यूज़ वगैरह में काफ़ी फेमस रहता है। कई लोग तो अपनी इलीगल कंपनी का फेक सोर्स दिखाने के लिए एक नई कंपनी तक क्रिएट कर लेते हैं, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ कागजों पर एग्जिस्ट करती है, रियल वर्ल्ड में नहीं, ताकि उस कंपनी को अपनी इलीगल इनकम का फेक सोर्स दिखाया जा सके। इन कंपनीज को शेल कंपनीज कहा जाता है। रियलिटी में उस कंपनी का कोई काम नहीं होता, ना ही उसमें किसी चीज़ की प्रोडक्शन होती है और ना ही कोई सर्विस वगैरह दी जाती। कई सारे लोग हाउस, शॉप्स और स्कूल्स एटसेट्रा में पैसा डाल देते हैं, तो कुछ इस तरह के अलग अलग आइडियाज़ एंड मेथड्स को यूज़ करके लोग ब्लैक मनी के रियल सोर्सेज को हाइड करते हैं या फिर कहीं उनके फेक सोर्सेज क्रिएट कर लेते हैं।
इसके बाद फिर आता है लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, इंटीग्रेशन। क्योंकि इस स्टेप में सारा पैसा रिकलेक्ट किया जाता है, यानी कि वो इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा लीगल तरीके से अपने ओनर के पास वापस आ जाता है। यानी पर्सन ने अब अपने ब्लैक मनी को जस्टिफाई कर दिया कि उसने इस सोर्स से कमाए हैं। अब वो पैसा उसकी बाकी इनकम में मर्ज हो जाएंगे, अब वो फ्रीली उन्हें यूज कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है। मनी लॉन्ड्रिंग के बेसिक समझने के बाद आइए बात करते हैं PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बारे में, जो इस फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। यार 2002 में इलीगल मनी को लीगल में बदलने वाले क्राइम को बढ़ता हुआ देख उससे लड़ने के लिए इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद इसमें 3 बार अमेंडमेंट्स भी हुए, 2005, 2009 और 2012। इसका लास्ट अमेंडमेंट बिल जो 2012 में आया था उसको 15/5/2013 से लागू कर दिया गया। ये एक्ट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज को मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम में इन्वॉल्व लोगों पर एक्शन लेने की पावर देता है। यानी इस लॉ का मेन पर्पस है लॉन्डरर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। इस एक्ट को लाने के पीछे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला कि मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल और प्रिवेंट किया जा सके। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि लॉन्डरर ने अपने जमा किए गए ब्लैक मनी से जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह बनाई हैं उनको सीज किया जा सके। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई और इशू हो तो उसको भी हैंडल करना इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स में आता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्रिमिनल सिर्फ लॉन्डरर नहीं जिसका वो पूरा ब्लैक मनी है, बल्कि वो लोग भी उतने ही इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इन इलीगल पैसों को लीगल में कन्वर्ट करने के लिए लॉन्डरर की हेल्प की है। जो लोग इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं सभी क्रिमिनल माने जाते हैं। इस एक्ट के बेसिस पे लोगों को फाइनेंशियल पेनल्टी के साथ साथ 3 से 7 साल के लिए जेल भी हो सकती है। द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED, जो इंडियन गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, उसके पास मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केसेस की इन्वेस्टिगेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सभी बैंक्स पे अप्लाई होता है। इनफैक्ट RBI, SBI और बाकी सभी बड़े बैंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर पूरी कोशिश करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, और जिन्होंने ये किया है या फिर कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके पनिश किया जा सके, क्योंकि इससे कंट्री को बड़ा नुकसान होता है। ये क्राइम तो है ही, साथ ही साथ ये कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी स्लो करता है और डिफरेंट सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। तो दोस्तों, ये थी मनी लॉन्ड्रिंग और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे हमारी वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। एंड विजिट वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर डिटेल्स अबाउट एक्सिस फ्लिपकार्ट कार्ड। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।